नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक नई भर्ती है लाइब्रेरियन से रिलेटेड, जहाँ पर कुल अगर हम पदों की बात करें तो 689 है, लेकिन ये आपकी दो भर्तियों को मिलाकर के कुल पद हैं, जिनके जो आवेदन शुरू हो चुके हैं, एक के तो 20 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, एक आपके 24 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। अगर आपको अभी तक इन दोनों भर्तियों का नहीं पता है तो आप अभी पूरी जानकारी देख सकते हैं। और तो यहाँ पर इसके जो सबसे पहले हम वैकेंसी हम देख रहे हैं, जिसकी की स्टार्ट डेट अगर हम बात करें, वो आपकी जो यहाँ पर मेंशन की हुई है 20 अप्रैल से, एंड डेट जो है पहले आपकी मई तक थी, लेकिन एक्सटेंड करके अभी 31 जुलाई तक कर दी गई है। ये आपकी वैकेंसी है 255 पदों के लिए। इसके अलावा बचे कुल पद आपके 434, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले ये वैकेंसी है, तो ये आपकी एमपीपीएससी की जो वैकेंसी है लाइब्रेरियन की, तो ये इसका ऑफिशियल एक बीपीएससी की काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है, जिसमें कि ये वाला लिंक जो है आपका ये लाइब्रेरियन के लिए स्पेशली है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कॉरिजेंडम नोटिसेस जारी हो चुके हैं इस वैकेंसी के लिए, शुद्धि पत्र भी हो चुका है, डेट एक्सटेंशन का भी हो चुका है, विज्ञप्ति अगर आपने नहीं देखी है जो कि आपके दिसंबर के अंदर आई थी, यहाँ पर उसके बाद भी और रिवाइज जरूर हुई है, तो ये आप देखें। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि पहले आया था, हालांकि अंतिम तिथि अभी 31 जुलाई है तो ये नहीं है। और तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, इसके जो नोटिसेज ही आ चुके हैं, कोरिजेंडम ही आ चुका है कि ये चीज़ ये बदलाव की गई है। तो ये आपकी वैकेंसी है 255 पदों के लिए लाइब्रेरियन की। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, लगभग 15,000 से के आसपास जो है लाइब्रेरियन कैंडिडेट्स, लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई हर एक वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल जाती है, चाहे प्राइवेट जॉब हो या फिर आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर आसपास भी कोई भी वैकेंसी हो। पद विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, श्रेणी आपकी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी की है, पद स्थिति स्थायी है। इसके अलावा एकेडमिक लेवल 10 की यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर है, शैक्षणिक कार्य जो रहेगा, पद का नाम, अनिवार्य योग्यता यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके बारे में पहले भी हम वीडियो में बात कर चुके हैं, तो एक बार ये आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। तो ये आपकी वैकेंसी आई हुई है 255 पदों के लिए। दूसरी वैकेंसी भी हम देख लेते हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। हिंदी में ही प्रतियोगी परीक्षा की तिथि, केंद्र, सभी कुछ यहाँ पर, एग्जाम पैटर्न सभी कुछ मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी हम देख लेते हैं कि कहां पर इंडिया के अंदर 434 पदों पर वैकेंसी चल रही है। तो दूसरी आपकी 434 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है, वो आपकी तेलंगाना की तरफ से आई है यहां पर। तो इसमें आपकी लाइब्रेरियन स्कूल्स में लाइब्रेरियन की वैकेंसी है और पे स्केल यहां पर जो मेंशन किया हुआ है। साथ में हम बात करेंगे तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की तरफ से, महात्मा ज्योतिबा फूले तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस की तरफ से ये आपकी स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। 434 वैकेंसी है, नेम ऑफ सोसाइटी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, पे स्केल है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और तो ये आपका अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया है, और जो मेन चीज़ें हमें देखने को मिलेगी वो आपकी 24th। तो जैसा कि हमने देखा, वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इनके डिटेल नोटिफिकेशन आ चुके हैं सभी के अलग अलग जो पोस्ट पोजीशन है उनके लिए। तो यहाँ पर जैसे कि उन्होंने 3 सोसाइटी में इनको अलग अलग से बता रखा था कि यहाँ पर इतनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपको ये डाउनलोड करने हैं ये नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन, जहाँ पर आपको इनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो देखने को मिलेगी। तो ये आपके न्यूज़ सेक्शन में जो चल रहा है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, कि उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सभी चीज़ें क्या है, आगे क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, इसमें हम बात करें कि तो अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो इसके जो नोटिफिकेशन सेक्शन में जाते हैं, तो ये आपका जो हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा है वो स्कूल का है, और बाकी जो ये डिटेल नोटिफिकेशन आया है वो इससे रिलेटेड नहीं है। इसके जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो 24 अप्रैल से आएगा, 24 अप्रैल से। तो यहाँ पर देखें कि ये जो बाकी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है वो आपकी जूनियर कॉलेजेस में है, डिग्री कॉलेजेस में है, वो अलग है, ये आपके स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए अलग है। तो काफ़ी बार ऐसे कन्फ्यूजन हो जा रहा है, तो इस चीज़ को अलग रखें, क्योंकि अब जैसे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में
क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में यहाँ पर पूरी जो इनका टाइटल दिया हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इनमें भी अगर आप एलिजिबल है तो एक बार देखिएगा। बाकी इसका सेपरेटली इन दोनों के ही नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए गए हैं, तो वो आप चेक कर लेना। बाकी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो हम आगे देखेंगे, अभी तक के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 434 पोस्ट के लिए। तो ये सारी वैकेंसी थी, इसके अलावा जूनियर कॉलेज की अलग है जिसको हम एक अलग वीडियो में जरूर कवर करेंगे। बाकी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू, आज के स्टूडियो में इतना ही।